हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डीवा कंचन। आई एम कंचन एंड गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वंस अगेन एक हॉल वीडियो लेकर आई हूँ, और ये एक हॉल वीडियो मिंत्रा से है। वैरायटी है इन कुर्तों में, इनका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुर्ता हॉल ही नहीं दिखाने वाली हूँ, बल्कि ट्राई ऑन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी स्टाइलिंग के लिए, कि मैं इन ड्रेसेस को किस तरीके से स्टाइल करती हूँ। तो स्किप मत कीजिएगा मेरी वीडियो को और स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड मेरी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। तो गाइज, ये है वो फर्स्ट कुर्ता, ये ऑफ वाइट एंड नियॉन शेड में है और ये एक स्ट्रेट कुर्ता है। कुछ देखिए इस तरीके से है, ये देखिए जहाँ हमारा नेक होता है उसके नीचे एक ये इस तरीके से पट्टी दी हुई है, उसके चारों तरफ जो है ना मिरर वर्क दे रखा है एंड बॉबिन डिजाइन में है। राउंड नेक आपको मिल जाता है इसमें एंड थ्री क्वार्टर स्लीव्स मिल जाती हैं। ये देखिए थ्री क्वार्टर स्लीव्स मिल जाएंगी आपको एंड जो इसका स्ट्रेट जो ये जो है ना, इसकी जो लेंथ की बात करें तो मेरी जो हाइट है 5'3" है, 5'4" के अराउंड है। तो मेरे को ये वाला कुर्ता मेरी नी से थोड़ा से नीचे आ रहा है, मतलब इसकी जो लेंथ है मैं आपको एक अंदाज दे रही हूँ। गाइज, मेरे आसपास में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा नॉइस आपको आ रहा होगा, तो प्लीज इग्नोर करिएगा एंड सॉरी फॉर दैट। इसमें आपको अटैच लाइनिंग मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो जो ये वाला जो ऊपर वाला इसका जो मटेरियल है वो तो सिल्क ब्लेंड है एंड जो इसकी ये जो लाइनिंग है ना, ये सैंडून के कपड़े की है एंड इस कुर्ते को आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हो। ये कुर्ता कुछ इस टाइप का है कि आपको इसको ड्राई क्लीन ही कराना पड़ेगा, बिकॉज इसमें एक माइनस पॉइंट है। सब कुछ बहुत अच्छा है नो डाउट, बट इसमें एक माइनस पॉइंट है, वो ये कि इसमें जो इस तरीके से ये जो मिरर वर्क हो रखा है ना, देखिए मैं थोड़ा क्लोजअप दिखा रही हूँ, तो ये जो मिरर वर्क है ये इसमें स्टिक किए हुए हैं इसके मिरर, तो ये ना फॉल डाउन हो जाते हैं। मैंने जब इसको ट्राई ऑन किया था, ट्राई ऑन में ही मेरे दो तीन, ये देखिए दिखाती हूँ मैं, ये आगे के ना दो तीन इस तरीके से निकल गए, तो ये सब निकल जाएंगे, ये नहीं रहने वाले। बट गाइज, ये निकलने के बाद भी ये कुर्ता मतलब अच्छा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एकदम क्लासी वाला कुर्ता है, तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, बस यही एक माइनस पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये कुर्ता अच्छा लगा, अगर इसमें ये मिरर वर्क नहीं होता ना, ये बिना उसके ही ऐसे होता तभी ये बहुत अच्छा लगता, और दिया भी है तो या तो थोड़ा अच्छा से करके देते तो ज्यादा अच्छा होता, अब इन्होंने ऐसे दिया। हालांकि ये मिरर वर्क आपको इस तरीके से सामने नेक एरिया पे मिल जाएगा एंड ये स्लीव्स में भी इस तरीके से किया हुआ है। ये गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है, उसके ऊपर ये स्टिक किए हुए हैं, इसलिए जब कभी भी ये मिरर निकल भी जाते हैं तो वो लेस लगी रह जाएगी, तो इतना खराब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहां से निकले हैं ना मिरर, तो मैंने वो एरिया देखा है, कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ मिरर लगे भी थे, तो जब कभी ये सारे भी निकल जाएंगे ना तब ये बहुत अच्छा लगेगा। में गाइस, मैंने एक्सेस साइज लिया था बट मुझे बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था, तो अगर आप एक्सेस पहनते हो तो आप इसमें एस मंगाइएगा, जो लोग एस पहनते हैं वो एम और जो एम वो एल, मतलब अपने से थोड़ा सा एक नंबर ऊपर ही लेना तो वो आपको ज्यादा कंफर्टेबल आएगा। ये वाला मेरे को पहनने में और निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दी ये चीज कि अगर आप ये वाला लेते हो तो ये चीज का ध्यान रख के लेना कि आपको कौन सा साइज ऑर्डर करना है। तो गाइस, इस कुर्ती में मिरर वर्क हो रखा है इसलिए मैंने इसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को ऐड किया है एंड जो भी मिरर वर्क वाली ड्रेसेस होती हैं उनके साथ में ना आप इस तरीके से स्टेटमेंट वाली इयर रिंग्स पहनिए, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऐड करिए, बहुत ही प्यारी और ग्रेसफुल लुक लगती है वो। मो
मूव ऑन माई नेक्स्ट कुर्ता. तो जो नेक्स्ट कुर्ता है वो है ये, और ये एक ग्रीन एंड मरून एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है. ये देखिए, ये स्ट्रेट कुर्ता नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें फ्लेयर है एंड इसमें फ्रंट स्लिट आपको मिल जाएगी. ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसमें यहाँ पे ना फ्रंट स्लिट मिलेगी. ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ पे ये बटन्स की डिटेलिंग, बटन्स नहीं है बट ये डिजाइन ऐसा है कि ऐसा लगेगा बटन की डिटेलिंग दी हुई है आपको. नेक इसका राउंड है, इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी. एंड इसमें ये जो डिजाइन है पोलका डॉट डिजाइन है इस पे. तो इसका भी जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. एंड इसमें भी आपको अंदर ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग लगी हुई मिल जाएगी. तो जो ये वाला ऊपर का ये जो ये वाला कपड़ा है ना, ये तो सिल्क ब्लेंड में है एंड जो अंदर वाला है वो भी फ्रंटून का है. एंड जो पहला वाला मैंने कुर्ता दिखाया था ना वो भी इंडोस ब्रांड का था एंड ये वाला कुर्ता भी इंडोस ब्रांड का ही है. और दोनों का मटेरियल ना बहुत रिच वाला लगता है, इनको पहने के थोड़ा सा क्लासी लुक आता है. मतलब आप इस तरीके के कुर्ते ना किसी पार्टी फंक्शन में भी पहन सकते हो. थोड़ा सा उनको हैवी ज्वेलरी के साथ में स्टाइल कीजिए, बहुत ही अच्छा लुक निकल कर आता है. अभी आप ट्राई ऑन में देखेंगे, मैंने इसके साथ में दो तरीके से दो लुक्स क्रिएट किए हैं इस वाले कुर्ते के साथ में, दोनों ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर. गाइज, इस कुर्ती के साथ मैंने दो लुक्स क्रिएट किए हैं. फर्स्ट वन इज फॉर पार्टी एंड सेकेंड वन इज फॉर फेस्टिवल. तो जो सेंटर में आप देख रहे हैं उसमें मैंने अपने लहंगे के एक हैवी दुपट्टे को टीम अप किया है इस कुर्ती के साथ में. बहुत ही अमेजिंग लुक लगता है ये, इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है और थोड़ा सा क्लासी वे में दिखता है. एंड सेकेंड वन वाला भी जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे पहनने के बाद. इसमें मैंने काफ़ी हैवी डेंगलर्स पहने हैं. ये सभी ज्वेलरी वगैरह जितना भी है सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जो जितनी भी मैंने डेंगलर्स पहने हैं वो सभी मेरे मिंत्रा के हैं, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके. डार्क ग्रीन, ये देखिए एकदम डार्क ग्रीन है और इसपे गोल्डन बॉबन का वर्क हो रखा है. बहुत ही प्रिटी वाला कुर्ता है, मुझे ये वाला कुर्ता बहुत अच्छा लगा. एंड ये एक ऐसा कुर्ता आप इसे ना दिवाली पे कैरी कर सकते हो, दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट पीस है. बहुत ही सुंदर लगेगा ये दिवाली पे, आप इसको किसी अच्छी सी हैवी स्कर्ट के साथ में स्टाइल कर सकते हो, किसी पैंट प्लाजो, इसको आप किसी भी तरीके से, मतलब मेरा बस चले तो मैं इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकती हूँ. इसको देखते ही मुझे बहुत सारे दिमाग में आइडियाज आए थे, तो मैं ये वाला कुर्ता इसके साथ में बहुत सारे जो लुक्स हैं कभी इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर करूंगी. फिलहाल अभी ये वाला कुर्ता हम देख लेते हैं. तो ये देखिए इस तरीके से है और वंस अगेन ये भी इंडोस ब्रांड का ही है. तो ये इसका जो मटेरियल है ये आर्ट सिल्क में है गाइज, आर्ट सिल्क से है ये. एंड इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से राउंड नेक है एंड रेगुलर स्लीव्स हैं. इसकी जो स्लीव्स है ना इसमें कट वर्क हो रखा है, कट वर्क की डिटेलिंग है. ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें टाई करने के लिए ये डोरियां भी मिल जाएंगी, दोनों स्लीव में इस तरीके से डोरियां हैं और नीचे इन डोरियों पे जो ये लगे हैं ना डिजाइन दिया हुआ है इसमें आपको गोटा पट्टी वर्क मिल जाएगा. जैसे ही देखिए कमर की दोनों साइड में भी आपको ये मिलेगा, ये देखिए सेम पैटर्न है. तो आप अगर आपको यहाँ जो एरिया होता है हमारा बस्ट एरिया होता है उसके थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा भी अगर लूज वगैरह कुछ होता है तो आप इसको पीछे टाई कर सकते हो, वो स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है. आप साइड में भी इसको टाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा. तो जैसे मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे स्टाइल करते हो. ये जो गोल्डन कलर का ना छोटा छोटा जरी का वर्क कह लीजिए बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर. और ये अनारकली कुर्ता है गाइस, बहुत ज्यादा फ्लेयर है इसमें. ये देखिए मैं अगर सारा भी दिखाऊंगी ना तो आ नहीं पाएगा कैमरे में. ये देखिए इस प्राइस पॉइंट पे ये अनारकली कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड गाइस इसमें आपको एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ कि इसमें मेरा था ना इसके नीचे ये देखिए कोई भी आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी. ये कपड़ा ऐसे चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट है तो कोई इतनी इरिटेशन नहीं होने वाली है किसी को भी. बट हाँ इसमें लाइनिंग दी हुई होती तो ये थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसकी मतलब जो क्वालिटी है उच्च दर्जी हो जाती. फिलहाल वो नहीं है. बट हाँ गाइस जो बस्ट एरिया है ना, ये देखिए बस्ट एरिया पे आपको इस तरीके से लाइनिंग दी हुई है. ये देखिए ये लगा हुआ है कपड़ा,
अच्छी क्वालिटी देख रहे हो और क्लासी भी, मतलब चाहिए कि हाँ क्लासी भी लगे, अफोर्डेबल भी हो, आपकी बजट में इन हो, तो उस टाइप से अगर कुछ सर्च कर रहे हो तो ये वाला कुर्ता बेस्ट है आपके लिए। तो गाइज जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये टाई करने के लिए इसमें दो डोरियां दी हैं, इस तरीके से मैंने बैक में की हैं, और ये वो स्लीव्स का डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें दिया हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्या है। इसमें भी मैंने इस तरीके से देखिए हैवी डैंगलर्स डाले हैं, गजरा ऐड किया है, और ये वाला लुक भी मैंने बहुत ही मतलब एलिगेंट रखा है, बहुत ही क्लासी लग रहा है। तो इस तरीके से मैचिंग पॉम्स मेरे ये मैंने ऐड किए हैं, तो ये वाला लुक भी मुझे इस कुर्ते के साथ में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये इस तरीके का लुक है कि आप दिवाली के लिए इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। दिखा रही हूँ मैं, ये एक कुर्ता नहीं है, ये पूरा कुर्ता सेट है। ये देखिए येलो कलर में है, और ये देखिए ये कुर्ता है वो स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। बोथ साइड आपको साइड स्लिट मिल जाएंगी, और ये येलो एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, एंड इसमें भी आपको जरी का वर्क मिल जाएगा। और तो ये वाला कुर्ता भी इंडस ब्रांड का है, एंड इसका भी जो मटेरियल है उसकी अगर हम बात करें तो ये अगेन सिल्क ब्लेंड है, ठीक है, ये भी सिल्क ब्लेंड का है। एंड इसमें आपको देखिए लाइनिंग मिल जाएगी दोनों साइड में, देखिए लाइनिंग लगी हुई है इस तरीके से। ये भी सैंटून का कपड़ा है, और ऊपर जो है वो सिल्क ब्लेंड है। इसके भी गाइस जो स्लीव्स हैं वहां पे डिजाइनिंग दी हुई है, ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी डिजाइन की वजह से मैंने इसको परचेज किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लगा और मुझे इस तरीके के कुर्ते बहुत अच्छे लगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, अभी मैं आपको ट्रायल में भी दिखाऊंगी, बट हाल फिलहाल मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये चीज यहाँ पे आती है, तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट पीस है। एंड इसमें आपको नेक की बात करें तो एक बोट नेक मिल जाएगा, ये साथ में एक आपको इस तरीके से ये पैंट मिल जाएगी स्ट्रेट, और इसमें आपको पीछे ये देखिए इलास्टिक मिल जाएगी, एंड फ्रंट साइड में ये जो है इलास्टिक नहीं है, सिर्फ बैक में है, सफिशियंट है इतनी। एंड गाइज हाँ गाइज मैं एक बात और आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने आज जितने भी कुर्ते लिए इन सभी में आपको साइजेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। गाइज इस लुक में मैंने जितनी भी एसेसरीज कैरी की है, पर्ल की रखी है, मुझे पसंद है, और फेस्टिव टाइम में पर्ल्स बहुत अच्छा लगता है, एंड पूजा वगैरह के लिए भी पर्ल्स की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। आप धनतेरस वगैरह पे इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो इस कुर्ती के साथ में। एंड ये मैंने पूरा मैचिंग का ही रखा है, हैंड बैग एंड पम्प्स वगैरह सब येल्लो शेड में ही लिए हैं, एक वॉच डाली है हैंड में, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बहुत मिनिमल सी एसेसरीज रखी हैं, तो ये लुक भी काफी अच्छा है। एंड गाइस मैंने इसको इमेज में देखा था, मुझे उसमें जितना अच्छा लगा मुझे उससे थोड़ा सा कुछ कम लगा। अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, बट इसका कलर मुझे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ब्राइट लगा अकॉर्डिंग टू मी। न्यूली मैरिड्स वगैरह अगर कोई है तो उनके लिए अच्छा लगेगा, बट मुझे मेरे ऊपर इस तरीके के कलर्स मैं नहीं पसंद करती हूँ, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चंकी वाला ये रेड है। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, एंड ये अगेन एक स्ट्रेट कुर्ता है, और इसका जो मटेरियल है वो है रेयॉन में, रेयॉन का मटेरियल होता है ना, वो समर्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको देखिए रेड एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिलेगा, जो इसका डिजाइन है ये है वो। इसमें आपको देखिए मिरर वर्क मिल जाएगा, और ये फॉल्स मिरर है, ओरिजिनल नहीं है। एंड इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, व्हाइट थ्रेड से पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। एंड इसमें आपको जो नेक है वो मैंड्रीन कॉलर वाला नेक मिलेगा, एंड इसकी भी जो स्लीव्स है थ्री क्वार्टर स्लीव्स है, एंड नी लेंथ है। तो ये वाला हैंड वॉश कर सकते हो, मशीन वॉश भी कर सकते हो, इस तरीके इस वाले कुर्ते को आप कैसे जैसे भी चाहो वैसे वॉश कर सकते हो। बट गाइस इससे पहले मैंने जितने भी कुर्ते आपको दिखाए हैं वो सभी ड्राई क्लीन वाले हैं, उनको आप मशीन वॉश नहीं कर सकते हो। अदरवाइज कुर्ती में जो शेड है व्हाइट और रेड है, तो इसलिए मैंने व्हाइट प्लाजो पहना है इसमें, एंड व्हाइट कलर की ही एसेसरीज ऐड की है, सिल्वर क्लच लिया है, रेड फुटवेयर्स रखे हैं, तो ये लुक भी मुझे अच्छा लगा। कुर्ती भले ही मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट इसके साथ में जो लुक मैंने क्रिएट किया वो ठीक ठाक आ रहा था। ये जो मैंने हैवी डैंगलर्स डाले हैं अपने कानों में, ये आपको everstylish.com पे भी मिल जाएंगे, और ये मिंत्रा पे भी हैं, नायका पे भी हैं, तो आप सर्च कर सकते हो।
रही हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरा सबसे ज्यादा अच्छा कुर्ता आपको कौन सा लगा वो भी मुझे कमेंट डाउन करिएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय।